हॅलो गाईज, दिस गादी पांडे फ्रॉम आई टी बी एच यू एंड यू आर वॉचिंग योर ऑनलाइन कोचिंग। गाइज, अपन जे एडवांस के जैसे वीडियोस देख रहे हैं और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट। तो आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, एंड दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है ना? या जब कोई भी बॉडी किसी भी ड्रैगिंग फोर्स की इन्फ्लुएंस में आती है, या बोले तो विस्कस फोर्स के इन्फ्लुएंस में आती है, तो वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन होता है। एंड यू नो वॉट, और एक स्पेशल केस लगा लिख करके और क्लासेस में समझा दिया जाता है, मेन वेरिएशन समझाया नहीं जाता, जिसकी वजह से बच्चे प्रॉब्लम आता है एग्जाम में। सो इसीलिए मैं आज वो पर्टिकुलर वेरिएशन कराने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप हर तरह का क्वेश्चन कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो लेट अस सपोज आपसे ग्राफ भी बनवाया गया, याद रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या बोला है कि देयर इज अ बॉडी, ओके, जिसका रेडियस आपको पता है। ठीक है ना? लेट अस सपोज उसका गिवन है, रेडियस आर है, उसका डेंसिटी रो है, लिक्विड का डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो लिक्विड का कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी है वो है ईटा। ठीक है, मतलब कॉफिशियंट ऑफ विस्कस फोर्स, जो कि वो विस्कोसिटी देगा। ठीक है, और उसका आर रेडियस है, ये सारी चीज़ आपको गिवन है। और लेट अस सपोज उसे छोड़ दिया गया ऐसे, तो पूछता है कि प्लॉट दी वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ। जितना वो डेप्थ अचीव करता जाएगा उसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी का वेरिएशन ड्रॉ करिए। तो जब आपको वेरिएशन का इक्वेशन निकाल लेंगे तभी तो वेरिएशन कर पाएंगे। लेकिन करते क्या है, अपन लोग की क्लासेस में क्या करा देता है, टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालवा दे देता है फोर्सेस को बैलेंस करा के। कैसे? ऐसे मान लिए कि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा, ऐसे नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, फोर्सेस बैलेंस कराए और एक एक्सप्रेशन आ जाता है 2/9 करके, 2/9 समथिंग मल्टीप्लाई करके सिग्मा माइनस रो करके। ठीक है ना? लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो एक्सप्रेशन सफिशियंट है, क्योंकि आप उससे वेरिएशन ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, मतलब जो वेरिएशन अपन ड्रॉ करके देखते हैं क्या आया होगा। चलिए देखते हैं। तो लेट अस सपोज ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा उस पर्टिकुलर बॉडी पे, दैट इज बियॉन्ड फोर्स, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, दैट इज रो सिग्मा वी जी, मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू ग्रेविटी। और जो नीचे की ओर उसके ऊपर वेट लग रहा होगा वो लग रहा होगा रो 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, दैट इज डेंसिटी ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी। और उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा ऊपर की ओर, एंड दैट विल बी इक्वल टू द 6 पाई ईटा आर वी। ये मैंने किसके बेसिस पे लिखा है, ये मैंने लिखा है स्ट्रोक्स लॉ के बेसिस पे। इज इट क्लियर गाइस? तो अब आपको बोलता है कि एक्सप्रेशन निकालना है। तो चलिए एकदम बेसिक से, मैं नहीं मानता कि सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है तो इसका मतलब ये वाला फोर्स इफेक्टिव होगा। तो चलिए लिख लेते हैं इस वाले फोर्स को इफेक्टिव तरीके से, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, ओके, माइनस रो सिग्मा इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, माइनस 6 पाई ईटा आर भी इक्वल टू आपका मास इंटू एक्सीलरेशन। इज इट क्लियर गाइस? ये आपका आ गया रिजल्टेंट इक्वेशन, दिस इज द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ। इज इट क्लियर गाइस? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ कुछ वेरिएबल्स को एक्साइट कर लूंगा और कुछ कुछ वेरिएबल्स को थोड़ा बहुत चेंज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना? तो देखते हैं क्या क्या वेरिएबल्स को मैं चेंज करा सकता हूँ, क्या क्या कर सकता, मतलब यहाँ पे क्या क्या वेरिएशंस कर सकता हूँ। तो इस पूरे के पूरे टर्म को मैं एक कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ, लेट अस सपोज एक मैं कांस्टेंट मान लिया सी। क्यों? क्योंकि 4/3 भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट, पाई आर क्यूब जी भी कांस्टेंट, ठीक है, ये भी कांस्टेंट। तो मैंने इसको सी मान लिया, सी माइनस 6 पाई ईटा आर को भी मैंने एक कांस्टेंट मान लिया, दैट इज अल्फा, सी माइनस अल्फा भी। क्यों? क्योंकि अब इसको मैं यहाँ बगल में लिख दे रहा हूँ, 6 पाई ईटा आर एज अल्फा और 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, ब्रैकेट में कितना, रो माइनस सिग्मा, दिस इज सी। दो ये हमारे पास कांस्टेंट है, हमने इनको मान लिया, इक्वल टू एम ए। एम की वैल्यू को भी, एम की वैल्यू को
चाहिए तो लिखे रहिए, या एम की वैल्यू को भी उधर भेज देते हैं, इन्वॉल्व करा देते, ठीक है ना। तो डिवाइड बाई एम ले लेते हैं, चलिए डिवाइड बाई एम ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात? नो प्रॉब्लम वाली बात। ये मान लिया कि इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है ना, और ए को क्या लिख सकते थे, डी वी बाई बाई डी टी, ठीक है। मैंने एम की वैल्यू को उधर भेजा है, क्यों? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मात्र वी बस वेरिएबल बचे हमारे पास, और कुछ कुछ टर्म्स बचे, बहुत ज़्यादा टर्म्स ना हो। तो ये एम को उधर भेज दिया, तो दिस डिवाइड बाई एम इज इक्वल टू सी एंड 6 पाई ईटा r डिवाइड बाई एम इज अल्फा। अब मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को रीअरेंज करा के क्या ऐसा लिख सकता हूँ, डी वी अपॉन सी माइनस अल्फा वी इक्वल टू डी टी, या वी कैन राइट दैट। मैंने डी वी को इस वाले को इधर ले जाकर डिवाइड करा दिया, डी टी को उधर ले जा दिया। अब इसको मैं इंटीग्रेट करा सकता हूँ, इज इट क्लियर गाइस? जब मैं इसको इंटीग्रेट कराऊंगा तो इंटीग्रेट कराने पे क्या हो जाएगा, जब इसे देखेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन कराने पे क्या क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर का इंटीग्रेशन मिल जाएगा -1 बाई अल्फा इंटू एल एन सी माइनस अल्फा वी, ओके, -1 बाई अल्फा जो कि कॉन्स्टेंट है वो डिवाइड पे चला गया मल्टीप्लाई पे, एल एन सी माइनस अल्फा वी इक्वल टू टी। नाउ होल्ड ऑन, मैं थोड़ा सा अभी और वेरिएशन कराता हूँ इसमें, ठीक है ना। प्लस एक कॉन्स्टेंट सी को ही आया होगा, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, या उसे सी डैस बोल दो, या फाइव बोल दो, चलो फाइव बोल देते हैं क्योंकि बार बार सी अच्छा नहीं लगता है, तो फाइव बोल दिया। अब मैं इसको अल्फा को उधर भेज दूंगा, तो ये अगले ही टर्म पे इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वी कैन राइट इट लाइक दिस, सी माइनस अल्फा वी इक्वल टू e दी पावर अल्फा इंटू टी प्लस फाइव, कुछ ऐसा मिल जाएगा अपन को, सी माइनस अल्फा वी इक्वल टू ई दी पावर अल्फा टी प्लस फाइव। अब ध्यान से देखिए, तो अगले ही मूवमेंट पे सी को भी इधर भेज दीजिए और अल्फा को भी रीअरेंज करा लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, वी विल बी लुकिंग लाइक दिस, ई दी पावर माइनस का 1 बाई अल्फा अल्फा टी प्लस फाइव माइनस सी, दिस विल बी दी माइनस सी, तो ये प्लस सी हो जाएगा क्योंकि -1 बाई अल्फा मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये प्लस सी हो जाएगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज इन इन्फ्लुएंस ऑफ द ड्रैगिंग फोर्स ऑफ विस्कस फोर्स, इज इट क्लियर गाइज? तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो अपन जब इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाएंगे तो ग्राफ कैसा दिख रहा होगा, कुछ ग्राफ विल बी लुकिंग लाइक दिस, इज इट क्लियर गाइज? मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो आप देखेंगे, तो धीरे धीरे करके ये वेलोसिटी मतलब इसकी बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये कांस्टेंट हो जाएगी, और उस वक्त की वेलोसिटी क्या कहलाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम टी को अपन इनफाइनाइट की ओर टेड्स करा देंगे, और जब इनफाइनाइट की ओर टेड्स करा देंगे तो अपन को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इज इट क्लियर गाइस? कोई प्रॉब्लम? सो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, कुछ इसमें कठिन था ही नहीं, एकदम बेसिक से अपन ने कर लिया। और फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो फाई की वैल्यू बाउंड्री कंडीशंस की मदद से निकाल लेंगे, इनिशियली जो चीज़ें आपने दिया होगा उसे। या देखिए, आप दो काम कर सकते थे, यहाँ पे इंटीग्रेशन के बाद कांस्टेंट ना मानने की बजाय यहाँ पे लिमिट्स पुट कर देते, और यदि लिमिट्स नहीं पुट कर रहे तो कांस्टेंट मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो आपका फाइनल वेरिएशन कुछ ऐसा आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ उसका एक्सप्रेशन वेलोसिटी का ऐसा आएगा। आप देख सकते हैं कि ये मोस्ट जनरल केस है। अब हम यहाँ से चाहेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे 1 मिनट के अंदर, बस टाइम टी को इनफाइनाइट्स की ओर ट्रेड करा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर गाइस? मैंने एक छोटी सी एरर कर दी थी यहाँ पे, मैंने माइनस साइन छोड़ दिया था, वो जस्ट रनिंग मिस्टेक थी, जो कि कहते हैं माइन्यूट मिस्टेक। तो ये माइनस साइन भी आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ये -1 बाई अल्फा है ना, तो उसके बेसिस पे। इज इट क्लियर गाइस? सो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये आपका वेरिएशन आ गया, और ये था सारा क्वेश्चन। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारे साथ बने रहें। सो कीप वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।